Hi, young guy. Where's the glass? You were akele ho. Wife nahi na. Very good. So where's my pretty wife? Anniversary wife? Oh, come on, dear, come on. Oh, Mayur. Happy anniversary. Happy anniversary. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you. दोस्तों, आजकल जब आदमी शादी करता है ना, तो एक ही साल में अपने घुटने टेक देता है। लेकिन हमारे महेश जी को देखिए, अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मना रहे हैं। वाह! अरे यार नजर मत लगा, तेरी शादी को भी तो 30 साल हो चुके हैं क्या? भैया अपनी शादी का फॉर्मूला एकदम साफ है। अभिजी, हम तो जोरू के गुलाम हैं। अरे हाँ यार, शादी के नाम से मुझे एक जोक याद आया। तो जोक यूं है कि एक बार एक आदमी की शादी। हाँ आगे? अरे यही तो जोक है। ये नहीं सुधरेगा। हाँ माफ कीजिएगा भाभी जी, शादी के बाद आदमी की जिंदगी एक मजाक बन के रह जाती है। रवि दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ? वो भी तो आने वाला था पार्टी में। हाँ रवि साहब सुधे मेरी बात नहीं, आने वाला था, मेरा फोन देना जरा। अरे ठहरना यार, मैं लगाता हूँ उसे फोन। ये लो उसी का फोन आ रहा है, 100 साल जिएगा ये। अरे रवि, अरे कहाँ है तू यार, हम यहाँ तेरा इंतजार कर रहे हैं। हेलो मयूर, मयूर मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब बोलना, क्या बात है यार? मयूर, 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 गर्लफ्रेंड कहाँ पे सर? यहाँ पे। कौन सी गर्लफ्रेंड सर? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तू चैटिंग कर रहा था लैपटॉप पे। क्या है ना सर, कॉलेज की दोस्त थी सर, कई सालों के बाद इंटरनेट पे मिली तो बस हालचाल ही पूछ रहा था सर। विवेक जी, आपने कभी बताया नहीं अपने कॉलेज की सहेलियों के बारे में? सर सहेलियां कहाँ सर, मैं तो सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाता था सर, इसके लिए तो टाइम ही नहीं मिलता था। अच्छा तो फिर तुम्हारा ये चेहरा इतना लाल क्यों हो गया? दाशा इसे आईना दिखाना, देखो कैसे लाल हो गया है, लाल का चेहरा। सर चेहरा तो लाल ही दिख रहा है। सर वो एक्चुअली लाइट की वजह से चेहरा लाल दिख रहा है सर। हाँ लाइट, कौन सी लाइट? विवेक तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हारे कॉलेज में भी कोई गर्लफ्रेंड थी। अच्छा मैं तुम्हें एक मिनट क्या कह रहा था विवेक तुम? कुछ नहीं सर, ये लोग कुछ ऐसे ही कह रहे हैं सर। सर विवेक की कहीं से गर्लफ्रेंड आ गई। गर्लफ्रेंड कहाँ पर है, कहाँ है? वेरी सीरियस बिजनेस गर्लफ्रेंड? नहीं सर वो मैंने तुम्हें डीएनए का रिपोर्ट चेक करने के लिए कहा था। सर मैं वही कर रहा था सर, रिपोर्ट देख के हंस रहा था। रिपोर्ट पढ़कर हंस रहे थे तुम? अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं डीएनए रिपोर्ट पढ़कर, और तुम हंस रहे थे। सर सर प्लीज प्लीज सर हमारी मदद कीजिए। कौन है आप? सर मेरा नाम मयूर है और ये मेरे दोस्त महेश है। सर प्लीज हमारी कुछ मदद कीजिए सर, हमारा दोस्त बड़ी मुसीबत में सर, प्लीज। कैसी मुसीबत? सर हमारा दोस्त रवि लापता हो गया है, न जाने वो कहाँ गायब हो गया। गायब है? कब से गायब है? यही करीब 1 घंटे से। मतलब आखिरी बार तुम लोगों ने उसे 1 घंटे पहले देखा था? नहीं सर, 3 महीने पहले देखा था। एक मिनट तुम कह रहे हो आखिरी बार तुमने 3 महीने पहले देखा, और तुम कह रहे हो कि 1 घंटे पहले, ये चक्कर क्या है? सर दरअसल मेरे दोस्त महेश की एनिवर्सरी पार्टी चल रही थी, उसमें रवि को भी आना था लेकिन वो तो नहीं आया, उसका फोन आया। तो क्या कहा उसने फोन पे? सर वो मुझे कुछ बताना चाहता था, इससे पहले कि वो मुझे कुछ बताता अचानक फोन पर मैंने उसकी चीख सुनी और सर इसके बाद उसका फोन बंद हो गया। सर कुछ कीजिए सर, हमें उसकी बहुत चिंता हो रही है सर, प्लीज। सर मेरे दोस्त रवि को कुछ हो न गया। अब जरा नंबर दीजिए रवि, हम लोग फोन ट्रेस करते हैं।
बेटे। हाँ कुछ मिला क्या? अरे कुछ भी नहीं मिला सर, मच्छरों के अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अरे कमाल है यार, मैंने तुम्हें वहाँ कुछ ढूंढने के लिए भेजा है, मच्छरों से कबड्डी करने के लिए नहीं। और तुम्हें क्यों मच्छर काटते हैं? मेरा खून मीठा है साहब, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हाँ ठीक है, नीचे आ जाओ। मच्छर काट रहा है ये वॉलेट में, क्रेडिट कार्ड, पैसे सब वैसे का वैसा ही है। इसका मतलब लूटने के लिए खून नहीं हुआ? हो सकता है इसने आत्महत्या की, मगर वो लोग तो कह रहे थे कि ये महेश की पार्टी में जाने वाला था, तो फिर यहाँ इतने वीराने में इस बिल्डिंग में क्यों आया होगा? या फिर शायद किसी ने इसे यहाँ बुलाया होगा। अब बस ये देखो, इसके हाथ में ये C-134 लिखा हुआ है। C-134 क्या हो सकता है? अब लाश को हाथ नहीं लगा सकते, वो मेरे पति है और हम कह रहे कि मैं। Excuse me, आपको क्या लगता है कि क्यों की होगी उन्होंने आत्महत्या? नहीं सर, पापा कभी आत्महत्या नहीं कर सकते। रवि अपनी जिंदगी से बहुत प्यार करते और वो आप दोनों को इस तरह अकेले छोड़ के जाने का तो सोच आपका कहने का मतलब है कि इन्होंने आत्महत्या नहीं की है, खून हुआ है इनका? हो सकता है। आप लोगों को किसी पे शक है? कौन कर सकता है ये? का तो कोई दुश्मन भी नहीं था, बड़ा हंसमुख इंसान था, न कभी किसी से लड़ाई झगड़ा, न किसी दुश्मनी, कभी नहीं सर। पर वो दो दिन से काफी परेशान थे सर। परेशान थे? किस बात पे परेशान थे? कुछ बताया उन्होंने? नहीं बताया, मैंने पूछा था, उन्होंने कहा मैं बाद में बताऊंगा। और ये जो C-134 लिखा है इनके थैली पे, इसके बारे में कुछ मालूम है? मैं नहीं जानती। आप लोगों को कुछ मालूम है इसके बारे में? नहीं सर। तुम्हें पता है? नहीं सर। नहीं सर। क्या हो सकता है ये C-134? आत्महत्या है या खून? बस मुझे लगता है ये रवि ने आत्महत्या की। सड़क के मयूर ने रवि की चीख सुनी थी टेलीफोन पर, अगर ये आत्महत्या होती तो रवि चीखता नहीं था। इसे जरूर किसी ने धक्का दिया है बिल्डिंग के ऊपर से। यस। अगर वो आत्महत्या करना चाहता था तो उसने फोन क्यों किया? शायद ये आखिरी बार बात करना चाहता होगा अपने दोस्त से। रेडी सर, अगर उसे आखिरी बार बात करनी होती तो बात करने के बाद कूदता था। आत्महत्या नहीं की रवि ने, किसी ने उसे धक्का ही दिया है सर। देखो बॉस, हत्या है आत्महत्या जो भी है, ये आप लोग, मैं आप लोगों को सिर्फ किडनी के बारे में बता सकता हूँ। क्या किडनी के बारे में? क्या हुआ रवि की किडनी को? सर, रवि की बॉडी में एक ही किडनी है, ये देखिए रिपोर्ट। ये रवि एक ही किडनी के साथ पैदा हुआ है क्या? नहीं, ऑपरेशन करके निकाली गई है एक किडनी इसकी बॉडी में से, या फिर इसने अपनी एक किडनी किसी को दान दे दी। ये देखो, ये मार्क देख रहे हो सर, ये ज्यादा पुराना नहीं लगता है? आताशा, ये ऑपरेशन मार्क ज्यादा से ज्यादा एक महीने पुराना है। एक महीने पुराना? तुम्हारे कहने का मतलब ऐसा होंगे कि रवि के किडनी का ऑपरेशन एक महीने पहले हुआ है? बिल्कुल, मगर रवि के घर वालों ने इसके बारे में हमें कुछ बताया नहीं। अभिजीत एक काम करो, रवि के घर वालों को बुलाओ ब्यूरो में, पता तो चले चक्कर क्या है। किडनी का ऑपरेशन? ये आप क्या कह रहे हैं? रवि का कभी कोई किडनी का ऑपरेशन नहीं हुआ। आपको अच्छी तरह से मालूम है रवि का किडनी का ऑपरेशन नहीं हुआ था। वो मेरे पति थे, अगर मुझे नहीं पता होगा तो और किसे पता होगा? आप जरा ये फोटो देखिए, ये रवि की फोटो में ये जो निशान दिख रहा है ये किडनी के ऑपरेशन का निशान है। ये मेडिकल रिपोर्ट है, इसमें साफ साफ लिखा है कि रवि का किडनी का ऑपरेशन हुआ था। अगर ऐसा कुछ भी होता
तो मुझे जरूर बता दे मुझसे क्यों छुपा दे वो। ये भी तो हो सकता है कि वो कुछ दिनों के लिए घर से गायब हो और तुम्हें पता ही नहीं। पापा एक्सीडेंट के बाद गए थे हॉस्पिटल में, पर वो किडनी के ऑपरेशन के लिए नहीं था। एक्सीडेंट? कैसा एक्सीडेंट? हॉस्पिटल से फोन आया था कि उनका एक्सीडेंट हो गया, तब हम उन्हें वहां लेने गए थे। हो सकता है एक्सीडेंट के बहाने वो हॉस्पिटल चले गए हो, उन्हें शायद कोई किडनी की बीमारी हो जो आप लोगों से बताना नहीं चाहते थे। नहीं सर, एक्सीडेंट के दो दिन पहले ही हम लोगों ने उनका पूरा मेडिकल चेकअप करवाया था, सब कुछ एकदम ठीक था, उन्हें कोई किडनी की बीमारी नहीं थी। अच्छा, उन्हें हॉस्पिटल लेके कौन गया था एक्सीडेंट के बाद? कोई भला आदमी था, वही उन्हें हॉस्पिटल से छोड़ गया था। तो फिर हॉस्पिटल वाले जानते होंगे वो आदमी कौन है। नहीं सर, उन्हें नहीं मालूम था, वो कह रहे थे कि कोई आदमी था जो उन्हें छोड़ कर गया था, पर नाम और पता नहीं लिखवाया। अजीब बात है, हॉस्पिटल वालों से मिलना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। जी सर, कहिए। देखिए, हम लोग सीआईडी से रवि नाम के पेशेंट के रिकॉर्ड्स चेक करते हैं। रवि किस वार्ड में है सर? है नहीं, थे 22 अक्टूबर को डिस्चार्ज हुए हैं हॉस्पिटल से। एक मिनट मैम, 22 अक्टूबर तो क्या, पूरे अक्टूबर के महीने में रवि नाम का कोई पेशेंट नहीं आया। कैसे हो सकता है, रिकॉर्ड्स गलत है आपके। अरे हमने खुद डिस्चार्ज पेपर साइन किए हैं, पैसा जमा किया है यहाँ पे, और हम कह रहे हैं कि इस नाम का कोई पेशेंट ही नहीं है। रिकॉर्ड्स कभी भी गलत नहीं हो सकते, आप चाहें तो खुद चेक कर सकते हैं। ठीक है, चेक करो। नहीं सर, जिसमें वाकई कोई रवि नाम का पेशेंट नहीं है। मैंने कहा था ना सर, अक्टूबर के महीने में रवि नाम का कोई पेशेंट यहाँ नहीं आया है। झूठ बोल रही हो तुम लोगों ने जरूर लिस्ट बदल दी है सर, इन लोगों ने पापा का नाम लिस्ट में से हटा दिया है सर। नहीं सर, मैं झूठ क्यों बोलूँगी, आप चाहें तो वो फाइल भी चेक कर सकते हैं जिसमें से मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में फीड की है। जरा वो फाइल दिखाइए। आ गया ना आप लोगों को, इस फाइल से भी नाम हटा दिया उनका। ये कैसा खेल खेल रहे हैं आप लोग हमारे साथ, ये बकवास कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता डॉक्टर। इनका घुटने का ऑपरेशन था और घुटने के ऑपरेशन में किसी की जान नहीं जा सकती। क्या हुआ यहाँ? इन लोगों ने ऑपरेशन के बहाने कुछ गड़बड़ की है, मेरे पति की बात नहीं हो सकती। तुम्हें किसी पेशेंट की जान लेने का कोई शौक नहीं, और आपने हमें खुद नहीं बताया कि आपके पति की बॉडी पर एनेस्थेसिया असर नहीं करता है, और ऊपर से हमें दोष दे दिया। झूठ मत बोलिए डॉक्टर, भैया की बॉडी में एनेस्थेसिया असर नहीं करता था, वैसे भी उनका ये कोई पहला ऑपरेशन नहीं था। क्या चक्कर है अच्छा, आप लोग क्या आप लोग भी इसके रिश्तेदार हैं? इस देश का हर वो नागरिक जिस पर अत्याचार होता है उसके रिश्तेदार होते हैं सीआईडी वाले, समझे? सर, ये रिपोर्ट कुछ बनी बनाई लग रही है, ऐसा लगता है ये लोग अपने किसी गलती को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। रवि के रिकॉर्ड्स भी तो नहीं है इनके रजिस्टर में, दया कुछ तो गड़बड़ हो रही है इधर, कुछ तो गड़बड़ है। रवि की रिपोर्ट तो किसी भी हाल में मिलनी चाहिए सर, चाहे उंगली टेढ़ी क्यों ना करनी पड़े। ये सारी फाइल्स मैं इस रैक से चेक करती हूं। याद है फाइल नंबर C134 ढूंढनी है? याद है।
C-133, C-135, C-136 गायब है। अच्छा हाँ, ये देखो फाइल नंबर C-134 गायब है। विवेक, रवि के हाथ में भी C-134 नंबर ही दिखा। इसका मतलब है रवि के खून का राज यहीं कहीं छुपा है। ढूंढते हैं। हाँ, तब तक मैं इसकी फोटो ले लेता हूँ। ये उसी आदमी के रिकॉर्ड्स हैं जो मर गया था घुटने के ऑपरेशन के बाद। ये फाइल भी चली हुई है। पर ये सब किया किसने होगा? शीला और योगेन, आप दोनों पिछले महीने हॉस्पिटल में थे है ना? हाँ सर। शीला जी, आप बेड नंबर C-133, मेरा मतलब है 133 पर थी है ना? जी हाँ सर, मैं ही थी बेड नंबर C-133 पर। और योगेन जी, आप बेड नंबर? मैं सर C-135 था सर। योगेन जी, आप C-135 पर थे और शीला जी C-133 पर थी। तो फिर आप दोनों के बीच वाले बेड पर, मेरा मतलब है बेड नंबर C-134 पर कौन था? आपको तो पता होगा है ना? क्या बात है सर? कुछ नहीं, आप हमें आपकी मदद चाहिए। हमें पता करना है कि उस बेड पे था कौन। C-134 पर मनोज था सर, बहुत अच्छा आदमी है। अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराने आया था सर। मनोज, अपेंडिक्स का ऑपरेशन? जी हाँ सर, वो पूरा एक हफ्ता हमारे साथ ही था। एक हफ्ता सर? हाँ। अगर ये मनोज वहाँ हॉस्पिटल में अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाने आया था तो किसी ने उसकी फाइल जला क्यों दी? और वो आदमी जो अपने घुटने का ऑपरेशन करवाने आया था, उसकी भी तो फाइल जलाई गई। और हॉस्पिटल वालों ने माला और सुरभि को भी पहचाने से जला। और वो लोग ये बात मानने को भी तैयार नहीं है कि ये रवि वहाँ हॉस्पिटल में आया था। मुझे तो लगता है इस हॉस्पिटल में बहुत कुछ गड़बड़ घोटाला हो रहा है। विवेक, वो जो फोटोग्राफ तुमने खींचे थे जले हुए फाइल्स के, वो प्रोसेस के लिए दिए? हाँ सर। गुड, हमें इस मनोज से मिलना चाहिए, वो जरूर हमें इसके बारे में कुछ बता सकेगा। मनोज, 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 ओ, तो यहां सोया पड़ा है मुन्ना। चाकू मारा किसी ने? पेड़ दर्शन चेक करो, देखो आसपास चाकू है क्या जिससे खून हुआ है। अब मनोज का भी खून, चक्कर क्या है? रवि के हाथ पे लिखा था C-134, उसका खून हो गया। C-134 बेड पे ये था, अब इसका खून हो गया। देखिए फिर इसका भी ऑपरेशन तो नहीं हुआ है। ऑपरेशन हुआ, इसका मतलब शीला और योगेन सही कह रहे थे, ऑपरेशन हुआ है इसका। सर, रवि और मनोज दोनों का ही खून हुआ है सर, जरूर आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा इनका। सर, घर में कोई भी हथियार नहीं मिला है। कोई बात नहीं, हथियार नहीं मिला तो क्या हुआ, लाश तो है।
सारुंखे साहब इसी से कुछ ना कुछ पूछ लेंगे। सारुंखे, इस शीला और योगेन कह रहे थे कि इस मनोज का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था हॉस्पिटल में, कुछ बता सकते हो? अभी पता लगता है। डॉक्टर तारिका। यस सर। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तारिका, स्टिचेस लगा। यस। बड़ी प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? वो एक्चुअली कोई ऑपरेशन हुआ ही नहीं है इस आदमी का अपेंडिक्स। क्या? अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं हुआ इसका? नहीं। तो फिर शीला और योगी ने हमें ऐसा क्यों कहा? ये तो कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा चौंकाने वाली बात बताऊंगा, वो छोड़ जाएंगे आप। क्या? इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात? अरे तो जल्दी बताइए डॉक्टर साहब, ये सस्पेंस मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस मनोज की भी किडनी का ऑपरेशन हुआ। मनोज को किडनी दी है किसी ने, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ इसकी बॉडी में। आइए दिखाता हूँ। देखिए ये ऑपरेशन मार्क देख रहे हैं आप? अपेंडिक्स के ऑपरेशन में ये मार्क इतना लंबा नहीं होता और उसका घाव भी ऐसा घुमावदार है। यो, जब तुम लोगों ने इसके अपेंडिक्स के ऑपरेशन की बात की तो मेरे दिमाग की घंटियां बज गई और मैंने इसका पेट काट करके देखा। बहरहाल ये मास्क हटा लीजिए आप। यहाँ पे क्या गड़बड़ है सर? ये अगर इस मनोज को किडनी दी गई है तो इसने शीला और योगेन से झूठ क्यों बोला कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराने आए? सलूके, ये जो घाव है ये मनोज का घाव और रवि का घाव दोनों एक ही। हाँ बस, इन दोनों का ऑपरेशन एक महीने के अंदर अंदर ही। दोनों का ऑपरेशन एक महीने के अंदर ही हुआ है। अभिजीत, समझ में आया? सर, इसका मतलब रवि की किडनी मनोज को दी गई है। एग्जैक्टली। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या रवि ने अपने आप खुद इस मनोज को अपनी किडनी दी या फिर बिना उसकी जानकारी के किसी ने उसके शरीर में से किडनी निकाल ली। सर, शायद ये बात रवि जानता था पर वो अपने घर वालों को बताना नहीं चाहता। वाइफ को टेंशन देने से क्या फायदा? हाँ, मगर मनोज को मारा किसने? कोई तो होगा जो नहीं चाहता था कि हम मनोज से बात करें। इसीलिए सर उसने मनोज का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। अभिजीत, एक काम करो, इस मनोज की पूरी कुंडली निकालो। वो किससे मिलता था, किससे बात करता था, कौन उसे फोन करते थे, सब कुछ। सर, ये मनोज यहाँ किराए के मकान में रहता था। उसका ये दोस्त रिश्तेदार कोई नहीं है यहाँ पे और फैमिली वगैरह सब इंदौर में है। इंदौर में? तो क्या तुमने इंदौर में फोन किया था, उसके फैमिली से या दोस्तों से बात की? हाँ सर, सबसे बात की मैंने, लेकिन किसी को भी पता नहीं है कि उसके किडनी का ऑपरेशन हुआ था। अच्छा, उसका किसी से कोई झगड़ा, किसी से कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, कोई दुश्मनी नहीं थी। सर, कुछ मिला विवेक? हाँ सर, ये वाला नंबर देखिए सर। मनोज महीने में कम से कम 10 बार इस नंबर पर फोन करता था और मरने के पहले उसने इसी नंबर पर फोन किया। और ये नंबर किसका? सर, मोबाइल कंपनी से पता चला है कि ये नंबर किसी रुचिका नाम की लड़की का है जो प्रॉपर्टी डीलर फ्लैट सिलवाती है। रुचिका? प्रॉपर्टी डीलर? अच्छा, इस रुचिका से मिलना चाहिए। कहिए, किस
तरह का फ्लैट चाहिए आपको? नहीं नहीं, हमें कोई फ्लैट वैट नहीं चाहिए। तो फिर हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? मैंने तो किसी का खून नहीं किया और ना ही मैं किसी स्कैंडल में इन्वॉल्व हूँ। आप जरा ये फोटो देखिए, किसे पहचानती हैं? ये तो मनोज है, इसे फ्लैट दिलवाया था मैंने। क्या हुआ इसे? खून हुआ है इसका। जी हाँ, खून। कब, कैसे? अब ये तो आप बताइए। मैं कैसे बता सकती हूँ? देखिए, मनोज ने आखिरी फोन आपको किया था। हाँ, उसने मुझे फोन किया था, उसे फ्लैट चाहिए था, बस। कहीं कोई और बात तो नहीं है? कुछ छुपा तो नहीं रही हैं आप हमसे? देखिए, मनोज को फ्लैट चाहिए था और मैं उसकी एजेंट थी, सीधी सी बात है। अच्छा ठीक है, ये बताइए, जब मनोज ने आपको फोन किया था, तब क्या आपको ऐसे लगा कि मनोज थोड़ा सा डिस्टर्ब है, परेशान है, घबराया हुआ सा ऐसे लगा? नहीं तो आपको किसी पे शक है? कौन कर सकता है ऐसा? देखिए, मनोज की निजी जिंदगी के बारे में मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है। सर, ये उन लोगों की लिस्ट है जिन्होंने रुचिका से फ्लैट खरीदे हैं या फिर किराए पर लिए। बड़ी लंबी लिस्ट है, काफी लोगों ने फ्लैट्स लिए इस रुचिका से। सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये लड़की बहुत कम उम्र में काफी आगे निकल गई? हाँ वाकई। वो फोटोज तैयार है सर। कुछ फाइलें तो जल गई, फिर भी हमने उनके फोटोग्राफ ले लिए। ये देखो, देखो ये दोनों लिस्ट, रुचिका से फ्लैट खरीदने वालों की लिस्ट में से कई नाम इस हॉस्पिटल में भर्ती हुए लोगों के भी है। मतलब जिन लोगों ने रुचिका से फ्लैट खरीदे हैं या किराए के लिए हैं, कभी ना कभी हॉस्पिटल में भर्ती हुए। रुचिका से मकान खरीदो और हॉस्पिटल में जाओ, मतलब ये लड़की भी मिली, ये भी लोगों को हॉस्पिटल भेज रही है। सर, इस हॉस्पिटल में रेड करते हैं, सारी धांधलेबाजी बाहर आ जाएगी। नहीं अभी, हमें और भी सारे सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे। रेड मारेंगे तभी तो सबूत मिलेंगे ना सर। और एक काम अभी। अच्छा, अपना मेडिकल चेकअप करवाओ। मेडिकल चेकअप? मैं क्यों सर, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मेडिकल चेकअप करो और उसके बाद शादी करोगे। शादी? अभी ये शादी कहां से बीच में आ गई सर? शादी करोगे और वो भी तारिका से। तारिका से? क्या कह रहे हैं सर आप? मैं थोड़ा बहुत मजाक करता था तारिका से। मजाक? अब मतलब अभिजीत, तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। सर आप जबरदस्ती कर रहे हैं सर। तुम शादी करोगे और वो भी तारिका से, दैट्स एन ऑर्डर। ओके सर, अगर आप जोर दे रहे हैं तो फिर ओके। क्या हम अंदर आ सकते हैं मैडम जी? कम इन, प्लीज कम इन। आजा, प्रीत जी आजा। हेलो। हेलो जी। हेलो, नमस्ते। बैठिए ना प्लीज। बैठिए। कहिए, क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? अजय, इसमें सेवा की क्या बात है? एक्चुअली मेरा नाम मीत है और ये मेरी सुंदर सी वाइफ प्रीत है। हमने सुना है मैडम जी, आप लोगों को सिर छुपाने के लिए जगह दिलवाती है। हाँ हाँ, तो आप फ्लैट खरीदना चाहते हैं या भाड़े पे चाहिए? अजी, अब क्या गरीब आदमी का मजाक उड़ाती हैं आप? फ्लैट खरीदने के लिए पैसे कहाँ हैं हमारे पास? गांव से सारी जमीन बेच के आया हूँ पैसे लेके, आप बस भाड़े पे ही दिलवा दीजिए, बहुत है हमारे लिए। किस तरह का फ्लैट चाहिए आपको? बस जी, प्रीत जैसा सुंदर, समंदर दिख जाए अगर बालकनी से तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है ठीक है, एक कमरे का चाहिए या दो कमरों का चलेगा? वैसे क्या है कि रहते हम लोग एक ही कमरे में रहेंगे। आप तीन कमरों का दिलवा दीजिए जी, हमारे रिश्तेदार बहुत हैं, आते रहते हैं ना यहाँ पे। ओह आई सी, आप ये फॉर्म भर दीजिए, मैं कोई अच्छा सा फ्लैट ढूंढती हूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू। वैसे काम क्या करते हैं आप? अजी करने का क्या मैडम, कोई करने दे तो बहुत कुछ कर दे आप जी। वैसे तो बचपन से ही इन्हें एक्टिंग का बड़ा शौक रहा है, पर अब बैंक में काम करते हैं जी। अभी तक चांस नहीं दिया किसी ने जी, नहीं तो एक्टर भी बन सकते थे आप, कुछ बात तो है आप में। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू।
ये लीजिए हमारे आईडी प्रूफ्स। गुड मिस्टर मीत, आपके मेडिकल रिपोर्ट्स भी हमें चाहिए होंगे, आप आज शाम को ले आइए। मेडिकल रिपोर्ट? मैडम जी आप डॉक्टर भी हैं क्या? नहीं नहीं, ये हमारा नया नियम है। अच्छा अच्छा अच्छा, नियम है, नियम का तो पालन करना ही चाहिए। जी बिल्कुल, जरूर मैं मेडिकल रिपोर्ट भी लेके आऊंगा, ये लीजिए। शाम को मिलते हैं फिर। शाम को? हाँ क्यों नहीं, मिलते हैं मिलते हैं। कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। गुड मॉर्निंग मैडम जी। हाँ कहिए। मेरा नाम जीतू है, ये मेरा भाई नंदू, इसका चेकअप कराना था। क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? अपॉइंटमेंट तो नहीं है मैडम। तो ऐसा करिए, आज आप अपॉइंटमेंट लीजिए और फिर कल आइएगा। कल नहीं मैडम, बहुत देर हो जाएगी। इसे किडनी के किसी डॉक्टर से मिलवा दीजिए, वरना ये जिंदा नहीं बचेगा मैडम, प्लीज। मैं रूल्स तो नहीं तोड़ सकती ना मैडम। मैं आपके सामने हाथ छोड़ता हूँ, प्लीज किसी डॉक्टर को दिखाइए। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? उठिए प्लीज। मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक आप मेरे भाई को किसी डॉक्टर से नहीं मिला लेते। ठीक है, मैं मिलवा दूंगी, आप उठिए प्लीज। धन्यवाद मैडम आपका, आपके बच्चे हमेशा सुखी रहेंगे। देखिए, ना तो मेरे बच्चे हैं और ना ही मेरी शादी हुई है, आप बताइए आपको किस डॉक्टर से मिलना है? मेरे भाई को किडनी की तकलीफ है, तो किडनी के डॉक्टर से मिलना है। ठीक है, आप डॉक्टर टीके से मिल लीजिए फिर। डॉक्टर टीके कहाँ मिलेंगे महापुरुष? डॉक्टर टीके वो रहे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, ये मेरा भाई नंदू। हाँ, मुझे इसके लिए आपकी किडनी की जरूरत है, मना मत कीजिए प्लीज, मेरी किडनी की जरूरत है। व्हाट नॉनसेंस, अरे यहाँ इस गोबर को किसने घुसने दिया है? गलती हो गई, किसी की भी किडनी चली गई। अब मेरे भाई को ठीक कर दीजिए, आप जो पैसा बोलेंगे मैं दूंगा, मैं ला के दूंगा। लिसन मिस्टर, हमारे हॉस्पिटल में रिश्वतखोरी नहीं चलती, समझे आप? और कहीं लेकर और जाइए आप। कोई समझाए डॉक्टर साहब, प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज डॉक्टर साहब सुनिए। पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं, जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा आपको, प्लीज डॉक्टर साहब, मैं मेरा टाइम मत वेस्ट करो, चलो जाओ। मेरा भाई डॉक्टर साहब, दाल भी गलेगी, अब तड़का भी लगेगा, तो बस देखता जा। जाओ, मैं परेशान मत करो, कुछ नहीं सुना नहीं आपको। अरे सर, मुझे पता है आपको क्या चाहिए, मैं आपका काम करवा सकता हूँ। भाई के लिए तू देगा? अगले नहीं है, पर मैं दिलवा जरूर सकता हूँ किसी और की। अच्छा, खर्चा कितना होगा? किडनी तो बहुत है, खोल है, फिर भी हम 25 लाख में काम चला लेंगे। 25 सस्ता सौदा है, सालों साल लग जाते लोगों को, करोड़ों रुपये देने पर भी ये नंबर नहीं लगता है। सोच क्या रहे हो? मगर मैं पैसे ऑपरेशन के बाद। ठीक है, जैसे किडनी का इंतजाम होता है ना, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपका नंबर। नंबर जल्दी करो, नंबर आप बड़ी हेल्प होगी तुम्हारी।
तुम्हारे। कोई बात नहीं सर, इसमें ही मुझे गरीब कई स्वार चुका है। हाँ, शायद जब इन लोगों की धांधलीबाजी बंद हो जाएगी तब हम गरीबों को भी इतनी आसानी से किडनी मिल जाया करेगी जैसे इन अमीरों को मिलती है। ये रहा आप लोगों का आशियाना, देख लीजिए, अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, ठीक वैसा ही है ना जैसे आप लोगों को चाहिए था। हाँ, मतलब यू नो फ्लैट थोड़ा ये वाओ, बहुत अच्छा फ्लैट है, ब्यूटीफुल, सुपर्ब, या बहुत ही अच्छा है, यू नो मैं भी यही कह रहा था रुचिका जी कि बहुत ही अच्छा फ्लैट है, इन्हें तो पसंद आ गया है। मैंने फ्लैट खास क्लाइंट्स के लिए रखा हुआ है और मेरे हिसाब से मीत उस दीवार पर हम अपनी शादी की फोटो लगाएंगे, ठीक है? अच्छा, और वो वाला जो कमरा है ना वहाँ, वो हमारे बच्चों का कमरा होगा। मैं जरा ऊपर दूसरा कमरा देख कर आ। हाँ हाँ, या रुचिका जी, ऐसा है हमारी जो प्रीत जी जो है ना, इनको वो फ्लैट बिल्कुल पसंद आ गया है। अब आप ये बताइए कि हम लोग कब आ जाएं यहाँ पे रहने के लिए, यू नो कल से ही रह सकते हैं। कल से? जैसे आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स तो लाए हैं ना। मैं ये देखिए, ये इन मामलों में मुझे बिल्कुल भी लापरवाही पसंद नहीं है। ये सारी हिस्ट्री है, मतलब मेडिकल की हिस्ट्री है, सब है इसमें। गुड। वो क्या है ना कि आजकल तरह तरह की बीमारियां फैली हुई हैं। ये तो है। तो इसलिए मैं अपने सब प्लान से उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स पहले ही मंगवा लेती हूं। नहीं, वो चलेगा, वो तो है ही है। तो इस खुशी में मुंह मीठा किया जाए। मुझे पहले पता था ये डील होने वाला है, इसलिए मैं एक खास वर्दी आपके लिए लेके आई। मैं थोड़ा खा लेता हूँ, उनको मत दीजिएगा, यू नो यू हैव टू मेंटेन द फिगर। रोज रोज कौन फ्लैट खरीदता है। ये तो है। वाओ, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही। क्या हो गया, क्या हो गया आपको? ये आप ठीक तो? देखिए, आप इधर बैठ जाइए। मीत, क्या हो गया तुम्हें? मीत, तुम ठीक तो हो? ये अचानक ही नहीं, इन्हें कोई बीमारी है क्या? ये ऐसे खड़े खड़े कैसे गिर गए? एक्चुअली इन्हें कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन अभी अभी तो ठीक थे, अचानक कैसे क्या हो गया? बिल्कुल मत कर पाइए, मैं सब डॉक्टर, ठीक है? डॉक्टर साहब प्लीज देखिए ना मेरे पति को क्या हो गया है, डॉक्टर प्लीज। देखिए हालत बहुत सीरियस है, इन्हें इमीडिएट भर्ती करना होगा। क्या? आप तो यहीं रुके, मुझे इनका ठीक से एग्जामिनेशन करना होगा। डॉक्टर साहब प्लीज देख लेना, तुम फिक्र मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। घबरा मत प्लीज, घबराने की कोई बात नहीं है, अच्छा हॉस्पिटल है, वो संभाल लेंगे। हाँ, मैं अभी फॉर्मेलिटी पूरी करके आती हूँ। डॉक्टर प्रकाश, यू वांटेड एट द कैजुअल्टी वार्ड अर्जेंटली। तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ, तुम यहीं रुको। मुझे कोई चाय वाय नहीं चाहिए। पी लो, अभी बहुत टाइम लगने वाला है, स्ट्रेस मत करो। हाँ, तुम यहाँ बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। मुझे बहुत चिंता हो रही है, कहीं सही में अभिजीत को कुछ होना जाए। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, मैं देखता हूँ ये रुचिका क्या गड़बड़ करती है।
मिल जाएगा। हाँ बॉस, 25 लाख रेडी है ना? किडनी का इंतजाम हो गया है, ऑपरेशन कल करने वाले, आप आ जाइए। बाबूजी आप? मीत कहाँ है, कैसा है? अंदर, देखिए ना, अब तक उन्हें होश नहीं आया है। डॉक्टर साहब कहाँ? ये रहा है। अरे डॉक्टर साहब जी, मीत कैसा है? मैं उसका पिता हूँ। एक्चुअली उसकी हालत बहुत सीरियस है। क्या? इन्फेक्शन पूरे खून में फैल चुका है। अरे तो फिर अब क्या होगा? आप घबराइए मत, हम लोग ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। ठीक है, लेकिन आप हॉस्पिटल की कुछ फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी कर लीजिए। जी सिस्टर, सिस्टर सर को फोन करिए, जल्दी रहिए, कम फास्ट। मीत, मीत, मीत कैसे हो बेटा? आइए सर, रिसेप्शन पे कुछ फॉर्म है। आप आगे चलिए, मैं 2 मिनट में आता हूँ। तुम लोग अंदर ले जाओ, मैं भी आप भी काम दे रहे चल रही है। सामान का इंतजाम हो गया? बस हो ही गया समझिए, ऐसे लाए मैं नंदू जी को प्रश्न के लिए तैयार करता हूँ। आप यहीं ठहरे, संभाल रहा कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। संभाल के आप मेरा घर दोनों पे एक ही कमरे में लगेंगे, कुछ गड़बड़ है सर, सबसे रहा नहीं जा रहा, मैं अंदर जाके एक एक की कमर लेता हूँ। दया ते उतावले मत हो जाओ, बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा, बैठो जरा शांति से। काफी देर हो चुकी है सर, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा सर, कहीं कुछ उल्टा पुल्टा ना हो जाता है, चलकर देखते हैं। हाँ सर। तारिका यहीं पे बैठो, हम अभी आते हैं, देखते हैं क्या होता है। कोई भी नहीं है? कहाँ? यहाँ तो कोई भी नहीं है। ट्री से तो गए होंगे, जा उधर देखो। नहीं सर। तो फिर कैसे गए होंगे? हम लोग तो भारी खड़े हैं। यहाँ से भागने का कोई ना कोई तो रास्ता जरूर है। कुछ हो गया ना, इस हॉस्पिटल की बैंड बजा दूंगा मैं। रास्ता और कितना वक्त लगेगा राजू मुझे नई किडनी मिलने में? अरे साहब थोड़ा सब्र करो ना, जिसकी किडनी आपको मिलने वाली है ना उसका ऑपरेशन हो रहा है अंदर में। अंदर? अंदर कहाँ? ऑपरेशन तो ऑपरेशन थिएटर में होता है ना। ऑपरेशन थिएटर ही है, सीक्रेट ऑपरेशन थिएटर। खूब जेम क्या समझे? अरे साहब बिना परमिशन के अंदर क्या कर रहे हो? चलो चलो, कहाँ चलो? मैं कहाँ चलो? अंदर। अभिजीत का? कौन अभिजीत? वही जिसका ऑपरेशन हो रहा है किडनी का, कहाँ है वो? मीत सर, ये कह रहा था यहाँ पर कोई सीक्रेट ऑपरेशन थिएटर है, अभिजीत को ये लोग भी लेकर गए। सीक्रेट ऑपरेशन थिएटर कहाँ है? जल्दी बता। मुझे नहीं पता। जल्दी बता नहीं तो जान से मार दूंगा तुझे। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। हाँ सर, तैयारी पूरी हो चुकी। विक, अभिजीत का कुछ पता चला? नहीं सर, पता नहीं कहाँ लेके गए ये लोगों ने। हॉस्पिटल का कोना कोना छान मारो।
बारे में सब कुछ पता चल चुका है। इतना बड़ा धोखा। बताओ मीत को कहाँ रखा? बताओ। उसका तो ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन थिएटर कहाँ है? मुझे नहीं पता। ये ऐसे नहीं मानेगी। ठीक है, सब रेडी है? यस सर। कम ऑन, लेट्स डू फास्ट। सर, ये क्या कर रहे हो तुम? सर, ये ऑपरेशन आप नहीं कर सकते। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सर, ये इल्लीगल है। दिमाग क्यों खराब हो गया? कौन है आप लोग? ये सब क्या हो रहा है? अभिजीत की किडनी काटने की तैयारी हो रही है। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। कुछ नहीं, सही टाइम पे बच गया, नहीं तो किडनी निकाल देता यार। सर क्या? अभिजीत जरा इसका घूंघट तो उतारो, देखे तो सही इस किडनी रैकेट के पीछे है कौन। मयूर, तुम नीच काम कर रहे थे। अपने दोस्त का फोन कर दिया तुमने पैसों के लिए? मैं क्या करता, वो पुलिस के पास जाने की धमकी दे रहा था, इसलिए उसे मारना पड़ा। मयूर, मयूर मैं तुम्हारा राज जान गया हूं। मैं तुम्हारी सारी सच्चाई सीआईडी के सामने बताऊंगा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं मयूर, तू बचेगा। धक्का किसने दिया था उसे? मैंने कुछ नहीं किया। रवि को छत से धक्का तुमने ही दिया था ना? मयूर के कहने पर दिया था। मयूर के कहने पे? मयूर तुम्हें बिल्डिंग के छत से कूदने के लिए कहेगा, तुम कूद जाओगी? मैं तो प्यार करती थी इससे, शायद वो भी कर देती। अरे वाह प्यार, वाह। अब जेल में तुम्हें कोई टू बेडरूम हॉल किचन नहीं मिलेगा, मिलेगा एक काल कोठरी, समझी? सड़ते रहना वहां पर। डॉक्टर डॉक्टर खेलते रहना जब तक फांसी का ऑर्डर नहीं आ जाता।